यूपी की बदायूं में लॉकडाउन का पालन कराने में भारी परेशानी पुलिस को झेलनी पड़ रही है। तमाम दिक्कतें। दरोगा और भाजपा नेता के बीच हुई तीखी नोकझोंक, वीडियो हुआ वायरल। लॉकडाउन का पालन कराने में अब खाकी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। खाकी की फजीहत हो रही है तो कहीं खाकी पर राजनीति हावी है। ऐसा ही एक मामला बदायूं में देखने को मिला, जहां एक खुली दुकान को लेकर पुलिस और व्यापारियों में तकरार हो गई। व्यापारियों के समर्थन में उतरे एक भाजपा नेता से दरोगा की तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें इलाके में अफरा तफरी मच गई। भाजपा नेता ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया, बाद में जमकर नारेबाजी हुई। कोतवाली में भी हंगामा होता रहा। उधर कोतवाल में पुलिस पर लगाए पक्षपात के सभी आरोपों को निराधार बताया। बदायूं से सटे कस्बा ओझानी में लॉकडाउन को लेकर पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए व्यापारी भड़क गए। भड़क लगते ही भाजपा नेता भी पहुंच गए और पुलिस से टकरार होने लगी। आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला बढ़ता देख पुलिस बैकफुट पर आ गई और वैरंग लौट गई, जिसके बाद कोतवाली में गहमा गहमी का माहौल रहा। बिलसी रोड पर संकेत चौहान की मिठाई की दुकान खुली थी। इसी दौरान SSI खुर्शीद अहमद आ गए और उन्होंने दुकान बंद करने को कहा, जिस पर संकेत पुलिस से उलझ गया। उधर व्यापारियों ने SSI पर बदसुलूकी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया, जिससे माहौल गर्म हो गया। भाजपा नेता योगेश प्रताप सिंह समेत तमाम लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इस दौरान भाजपा नेता की पुलिस से तीखी नोकझोंक होना शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख पुलिस वापस लौट गई। अरे आपके दिमाग ज्यादा खराब हो रहे हैं, मेरे कहना बहुत बड़ी पाई है। अरे वीडियो बना।